कल विश्व शेर दिन को मनाते हुए जूनागढ़ में एक वर्चुअल कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वन मंत्री गणपत वसावा जुड़े थे। उनकी ओर से प्रतियोगिता का आयोजन कर प्रतियोगिता के परिणामों को वर्चुअली ही घोषित किया गया। गुजरात सरकार और वन विभाग की ओर से 10 अगस्त के दिन को विश्व शेर दिन के तौर पर मनाया जाता है। 2016 से ही इस दिन को शेर दिन के तौर पर मनाने की शुरुआत कर दी गई थी। ऐसे में जूनागढ़ में इस साल कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए वर्चुअल तरीके से इस दिन को मनाया गया, जिसमें गांधीनगर से मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और वन मंत्री गणपत वसावा भी जुड़े। दरअसल इस साल फोटोग्राफी और चित्र स्पर्धा का आयोजन वर्चुअली किया गया था और मुख्यमंत्री और वन मंत्री की ओर से प्रतियोगिता के परिणाम भी वर्चुअली ही घोषित कर दिए गए। शेरों के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए इस दिन को मनाते हुए हर साल कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। वन विभाग की ओर से इस कार्यक्रम में इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, इसके लिए 50 लाख लोगों को SMS और ईमेल के जरिए संदेश पहुँचाया गया था। ये रिपोर्ट जूनागढ़ से हमारे संवाददाता प्रकाश दवे ने भेजी है। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान, BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।